दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पेनिक स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यंग इन्वेस्टर जितने हैं और नए जितने इन्वेस्टर आ रहे हैं वो ज़्यादातर फाइंड करते हैं, खोजते हैं कि कौन सा स्टॉक सस्ता है, सस्ता और पेनिक स्टॉक खोजते हैं जिनका प्राइस 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया या 50 रुपये के अंदर हो और उनमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर सारे पेनिक स्टॉक सही नहीं होते हैं, 70% पेनिक स्टॉक ऐसे हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो आने वाले समय में आपको लॉस ही लगाएंगे, फाइनली आपको लॉस ही होने वाला है उनमें। तो ये कैसे आप क्लासिफाई करें कि कौन सा पेनी के स्टॉक सही है, किस पेनी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे चाहे उनका प्राइस 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 50 रुपया हो, पर उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप बहुत चीज़ उन्हें ढूंढना चाहेंगे और किस बेसिस पे कंपनी का स्ट्रेटेजी क्या है ये सब देखना चाहेंगे। तो इनके लिए और बहुत सारे वीडियो आजकल देखते होंगे आप, यूट्यूब पे रील्स वगैरह आप देखते होंगे, वहाँ पे देखते होंगे ये पेनी के स्टॉक है, इनमें इतना इन्वेस्ट करने से आपको इतना रिटर्न मिलेगा, या फिर न्यूज़ में भी देखते होंगे आप, जो आज से 2 साल पहले या 4 साल 5 साल पहले आप 1 लाख इन्वेस्ट करते तो 1 करोड़ 10 करोड़ के अप्रॉक्स आपको प्रॉफिट होता। तो ये पेनी की स्टॉक कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, इन्हीं पे हमारा आज का वीडियो है। तो आज वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा और छोड़ कर नहीं जाइएगा, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर करिए। और नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता, आज हम आपको बताएंगे पेनिक स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कंपनी क्लासिफाई करें। तो हम सबसे पहले हम कंपनी में देखेंगे जो कौन इस पेनिक स्टॉक पहले लिस्ट छांटेंगे उनका, देखेंगे कि कौन से कंपनी मतलब किनका शेयर प्राइस सस्ता है लिस्ट है। हमारा एक वीडियो है उनमें पेनिक स्टॉक का नाम बहुत सारा नाम दिया गया है, वहाँ से आप छांट सकते हैं, या फिर खुद से आप किसी भी चैनल मतलब गूगल कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पेनिक स्टॉक के नाम मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप छांट करके उनमें से कौन से स्टॉक सही हैं इसको छांटने के लिए आपको 5 साल का मिनिमम 5 साल का उसका देखना पड़ेगा कि अर्निंग पर शेयर क्या है, ईपीएस चेक करना पड़ेगा, और ईपीएस 5 साल से कंटिन्यूअस अगर इंक्रीज कर रहा है फिर भी अगर उस शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो उस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे की फ्यूचर के लिए, और वो शेयर 1 2 साल 4 साल के बाद आपको 50 गुना 40 गुना 100 गुना तक का रिटर्न मिल सकता है उस शेयर में। तो उस इस हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि उनकी इंक्रीजमेंट ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना इंक्रीज कर रही है, किस रेशियो से ऊपर भाग रही है, इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आने वाले समय में ये शेयर कितना रिटर्न आपको दे पाएगी। तो आप और अगर आप पेनिक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनका लिस्ट ये ईपीएस आप नोट कर लें, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना अर्निंग उनका हो रहा है वो आप छाट देख लेंगे जी, 5 साल पिछले 5 सालों में कितने कौन कौन से शेयर में अर्निंग पर शेयर इनका इंक्रीजमेंट रेगुलरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उन शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। और एक बात का और ध्यान रखिए, कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए तो उनका एक बार चेक कर लीजिए, वो 500 उनकी कंपनी की नेट जो कैपिटल होती है मतलब कंपनी का जो वर्थ है वो 500 करोड़ से कम ना हो, 500 करोड़ से कम अगर होने वाले कम की कंपनी है तो उनमें ना ही इन्वेस्ट करें, उनसे दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। धन्यवाद, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फिर से एक बार कहता हूँ, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।